खैर जरूरी आ गए तो सामू कोई फिक्र नहीं, तू परले अंदर मंजी डाल है ते मैं इत्थे बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन किस तरह फिल्मा में आए ते फिर ऐसिया ऐसिया नामवर फिल्मा उस बंदे ने लिखिया ऐसी ऐसी अदाकारी कर दिती कि अज भी फिल्म बीना दे दिलो दिमाग में जिंदा ने। उन्होंने जो रोल ने किरदार ने उन्होंने करैक्टर जो किए उन्होंने अज भी यकीन करो लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद करते हैं तो उन्होंने पुरानी फिल्मा वेखते हैं। मेरी मुराद जी वो सोहनी तो सुची शख्सियत है जी सिक्केदार साहब जिन्हों का असली नाँ रहीम बख्श खोखर सी जेडे लाहौर के लागे जिन्हों अजकल कहा जाता है जी कि ठोकर न्याज बेग, न्याज बेग पिंड 1927 उन्हों का जन्म होया। तो यह भी तुम दसते जाइए कि सिक्केदार साहब जोड़े ने वो एक जिमीदार घराने तलक से उन्हों का, उन्होंने वालद साहब अजय चढ़ती जवानी सन सिक्केदार साहब तो उन्होंने वालद ग्रामी दुनिया तो टुर गए परदा फरमा गए तो उन्होंने वालदा ने फिर उन्होंने परवरिश की फिर वो क्योंकि न्याज बेग उदों लाहौर तो बहुत दूर से बार बार पिंड से एक निका जे ठीक है। उन्होंने वालदा ने इन्हों की बेहतर तलीम वास्ते किया कि उतों फिर वो घर छड़ के अंदरून लाहौर में आ गई इतने आके अपने बच्चे उन्होंने तलीम दिलवाई सोहनी तलीम दिलवाई रहीम बख्श खोखर उरां ठीक है जिथे फिर तलीम तो बाद वो दर्जी का काम करन लग पे ते फिर एडे आला किस्म के दर्जी बने कि बड़े बड़े फिल्म स्टार उन्होंने तो आके अपने कपड़े सिलवाते होंगे ते फिर फिल्मों में जो ड्रैस पाए जाते हैं अदाकार अदाकारा हीरो हीरोइन विलन वो इन्ना को ज्यादातर इन्ना को सिलवाए जाते सन जिन्हों विचों मास्टर उनैसन भट्टी भी इन्हों को अपने जो ड्रैस ने कपड़े सिलवाते सन तो नगमा नगार तनवीर नकवी साहब भी इन्हों को अपने कपड़े सिलवाते रहे तो फिर तनवीर नकवी साहब नाल इन्हों की बड़ी एक गहरी दोस्ती हो गई सी कि समझो कि एक दूजे तो बगैर इन्हों का टाइम नहीं गुजरता। तो यह भी तुम दसीए कि किवें फिल्मों में आए तो कि पहली फिल्म लिखी सी जिन्हें कि इंतहा की धुम पा दी सी पूरी दुनिया ने उस फिल्म का नाम से जी जबरू जिदे विच अकमल साहब हीरो आए सन वो फिल्म लिखी भी इन्होंने सिक्केदार साहब ने ठीक है। असल में की सी कि सिक्केदार साहब जो दर्जी का काम करते नाल नाल बैठक में बह के ना इन्हों का काम सी कि कहानियां सुनाते रहना वाकियात सुनाते रहना तो गलबात बड़ी सोहनी करते सन तो जिमें नकवी साहब इन्होंने यार दोस्त बन गए इस तरह म्यूजिक डायरैक्टर आशिक हुसैन इन्होंने जेडे वह भी जिगरी यार बन गए सन ठीक है। तो उन्होंने बड़ी एक दोस्ती अच्छी सी गपशप रही सी आशिक हुसैन उन्होंने जो यार दोस्त सन वह सन अगे फकीर सैयद सलाउद्दीन ठीक है जेडे एक फिल्म बनाना चाह रहे सन तो उन्होंने मास्टर आशिक हुसैन साहब न गल की उन्होंने अगे जी गल की सिक्केदार साहब न क्योंकि ये कहानी गलबात बड़ी सोहनी सुनाते सन ठीक है। उन्होंने कहा यार तू कहानी लिख चलो जी उन्होंने फिल्म लिखी फिल्म का नाम रखा गया जबरू अकमल साहब ने हीरो लिया पूरी टीम यकीन करो ये सारिया गल् जी अगे चल के मैं तुम्हें दस रहा वा ना ये उन्होंने नवासे बिलाल ने जो बैंक में बहुत अच्छी मुलाजमत कर रहे हैं बहुत अच्छी पोस्ट से वड्डी पोस्ट से उन्होंने शेयर की जो मैं शेयर कर रहा वा क्योंकि उन्होंने ज्यादा इन गल कोई नहीं जानता ये पहली दफा समझो अं शेयर कर रहे हैं तो वह दसते हैं कि उन्होंने नाना जी ने जो फिल्म लिखी ना तो पूरी टीम ना तजर्बाकार जिन्हें पहले कोई फिल्म नहीं बनाई ठीक है। लेकिन ये कि जदों उन्होंने काम शुरू किया तो फिल्म बननी लो बजट की फिल्म सी बना ली फिल्म जदों फिल्म चली उन्हें जनाब तबाहियां फेर दित्तियां हर पासे जबरू जबरू हो गया। तो यह भी तुम दसीए कि दूसरे पासे इंडिया में एक फिल्म बन रही थी मुगले आजम 1960 ठीक है वो डायरैक्टर सन के आसफ साहब उन्होंने फिल्म के गाने लिखवाने वास्ते तनवीर नकवी साहब न जो बुलवा सदा दिता उत्थे मुंबई बुला लिया। हुण तनवीर नकवी साहब सिक्केदार तो बच नहीं सन सकते ठीक इन्हों का एक दूजे तो बगैर टाइम नहीं सी लंघता लिहाजा उन्होंने भी सिक्केदार नाल लिया तो बंबई टुर गए उत्थे जाके गाने लिखे गाने लिख के जो वापस आए तो इतने जनाबे धुम पई सी जबरू की फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई शोरा फाक फिल्म रही तो अकमल साहब ने बेहतरीन लाजवाब काम किया सिक्केदार साहब ने कहानी तो लिखी लिखी नाल हिंदू बनिया का किरदार भी किया जिहड़ा कि बहुत ज्यादा लोग पसंद किया फिल्म साज लभ रहे सन कि यार जो बंदे ने कहानी लिखी है कितने
लिहाजा जो वापस आए तो फिर समझो कि इन्होंने सामने लैणा लग गई प्रोड्यूसर दियाँ, कोई कह रहा साड़ी कहानी लिखो, कोई कह रहा साड़ी फिल्म की कहानी लिखो। तो यह भी तुहानू दसीए कि उन्हां दा नाम सिक्केदार क्यों पिया सी, क्योंकि वह गल गल जो गल्लां बातें करते तो उन्होंने एक मुहावरा एक फिकरा बड़ा बोलते कि सिक्का बंद गल है जी, जिवें बंदे दा तकिया कलाम नहीं हुंदा, उन्हां दा तकिया कलाम सी सिक्का बंद। जिथों फिर ना एक बंदे ने मजाही अंदाज विच एक दफा लिख दिता कि सिक्केदार, सिक्केदार की फिल्म जबरू, ठीक है, जिथों इन्हों अगली फिल्म में जिहड़ा ना वह सिक्केदार ही नाम लिख दिता गया, जितों समझो कि इन्हों का ना जिहड़ा ना रहीम बख्श खोखर तो हट के ते सिक्केदार ही मशहूर हो गया। तो सिक्केदार साहब ने लगभग 100 तो ज़्यादा फिल्मों च काम किया, तो 25 फिल्म ऐसा ने कि जिहड़ियां जबरू दे विच इन्हें किरदार किया सी ना हिंदू बनिए दा, उहदे तो मुतासर हो के 25 फिल्मों च इन्हां नूं उह उसे तरह के किरदार मिले हिंदू बनिए दे, क्योंकि वह किरदार इन्हां तों इलावा कोई बेहतर नहीं सी कर सकता। उहदी रीज़न की है कि जिहड़ा नियाज़ बेग इन्हां दा पिंड सी ना, उहदे विच 1947 तो पहले जिहड़ा ना हिंदू सिख खत्री बहुत ज़्यादा रहिंदे सी, ते तुहानूं पता है कि हिंदू बनिए इन्हां दीआं दुकानां हट बहुत वड्डे हुंदे सी जिथों लोग सौदा सल्फ लैंदे सन, उन्हां दे विच बहना उठना यारी दोस्ती सी इन्हां दी, जिथों उन्हां दा बहन उठन दा गलबात करन दा सारा अंदाज सिक्केदार साहब जाणदे सन, ते जिहड़ा फिर किरदार अगे करदे सी ते फिर शायकीन पसंद करदे सन। ते एक होर सोहणी गल सुण लवो, सिक्केदार साहब दे जिन्हां ने कम फिल्मां लिखियां अदाकारी कीती इह तों मुतासर हो के दलीप कुमार साहब नाल बड़ी यारी दोस्ती सी इन्हां दी, क्योंकि जदों आउण जाण लगा रहा फिर मुंबई जाणा आउणा, हाँ जी, ते मुहम्मद रफ़ी साहब लैजेंड गुल्लूकार बरसगीर की बहुत वड्डी आवाज़, दलीप कुमार साहब जिन्हों बरसगीर का बहुत वड्डा फनकार कहा जाता, साहर लुधियानवी साहब जिहड़े एक बड़े अच्छे शायर होए, ये सारे सिक्केदार साहब नाल बड़ी मुहब्बत करते सन, बड़ा अदब ते एहतराम इन्हां दा करदे सन ते बड़ा इन्हां दे विच प्यार। अच्छा हुण इह दसीए तुहानूं कि 1956 च पहली दफा इन्हां ने जदों बनाई ना जबरू, उहदी कहानी वी इन्हां लिखी, बड़ी सुपरहिट मूवी रही। फिर 1965 विच दोबारा अकमल नूं लै के इन्हां ने फिर कहानी लिखी, फिर जबरू बनाई, वह भी सुपरहिट रही। फिर 1977 विच इन्हां ने दोबारा जबरू बनाई, फिर कहानी लिखी, फिर यूसुफ खान साहब नूं हीरो लिया, वह भी सुपर डुपर हिट रही। यानी कि वाहद ऐसा बंदा है कि जिन्हें एक ही फिल्म 3 दफा जी इन्हें लिखी तो 3 दफा ही अलहदा अलहदा यानी कि साल बना के दहाइया च बना के तो समझो कि सुपरहिट रही 3 फिल्म, वह भी क्रैडिट इन्हों जाता सिक्केदार साहब। फिर इन्होंने शोरा फाक फिल्म मलंगी लिखी, वो कम भी किया, फिर गुलाम फिल्म कम किया लिखी भी, वह फिर अनवरा फिल्म 1970 आई वह भी इन्हें लिखी सी, मैं ना ग्रेड मूवी वेखन वाली हुई, ठीक, ऐसिया ऐसिया इस बंदे ने फिल्मा लिख छड़ियां। मामदीन गुहाविया, फिर बागी ते फरंगी, ऐसिया शोरा फाक दे यादगार सुपरहिट फिल्मा ने कि जिहड़ियां अज भी लोग वेखते हैं तो उन्होंने सुरूर आ जाता कि फिल्म इंज दियां हुंदियां सन। मुआशरे दियां नैगेटिव पहलू विखा के तो पॉजिटिव विच किवें चेंज करने ने, वो सारा कुछ फिर पुरानियां कहानियां अंग्रेज दौर दियां उस तों वी पुरानियां गल्लां बातां जिहड़ियां किस्से कहानियां सी उन्हां ते फिल्मां बना के मुआशरे नूं बेहतरी वाले पासे किवें लैके आउणा, वो सिक्केदार साहब ने वो फिल्मां लिखियां जिहड़ियां जिहड़ियां कामयाब रहियां, जिहड़ियां अज वी जिहड़े ना वो समझो कि लोकां दे दिलां च जिंदा ने, ते अज वी यूट्यूब ते तुसीं वेखोगे ते तुहानूं नज़ारा आएगा, तुहाडा दिल खुश होएगा कि यार सुभान अल्लाह पाकिस्तान च कैसियां सोहणियां फिल्मां सन, की मौजूआत सन, काश वो मौजूआत अज भी आ जाए। सिक्केदार साहब ने किताबा भी बहुत सारिया लिखिया जिन्हों में उन्होंने मशहूर दो किताबों के ना तुम दसन लगा मैं, दिल का दिया जलाया ते अलाप, इन्हों शानदार जड़िया किताबा ने पढ़ने वाली ने। यार इस बंद ने ऐसा सोहना तो सुचा काम किया ना कि यार मैं इन्होंने दोनों थान सलाम करना। तो सिक्केदार जी होर 3 पुत्र ने तो 2 धियां ने, ठीक है, जिड़िया कि वह बहरले मुल्कों में रिंदियां ने, ते अपना बहुत सोहना वो उत्थे जिहड़ा अपना बिजनेस कर रहे ने, उन्हां दे बच्चे कारोबार कर रहे ने, कि इस फिल्म इंडस्ट्री विच वो नहीं आए। तो फिर 3 जुलाई 2006 विच वो सानू सब नू जिहड़ा ना अफसुरदा छड्ड के ते अपने खालके कीकी नू जा मिले। अल्लाह सोहना अगे दुआ करने आ कि मालका उन्हां दे पिछले कबीरा सगीरा गुनाहां नू माफ़ करके तो उन्हां नू जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता कर, मालका तू बड़ा बख्शनहार है रब्बा सोहणिया, तो उन्हां दे पिछलियां ते अपनियां रहमतां कर।
ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਕਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬੇਰੀ।